श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अंडे की भुर्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो इस एग भुर्जी को बनाने के लिए यहां पर मैंने एग लिए हैं। जितनी भी भुर्जी आप बनाना चाहते हैं उतने एग ले लें। साथ ही मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज काट के रखे हैं, हरी मिर्ची ली है और दो टमाटर लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे को फोड़ लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम इसे फेटेंगे दोस्तों, उतनी ही बढ़िया टेस्टी भुर्जी बनेगी। तो सभी अंडे को, जितने भी आपको बनाना है, आप उसे फोड़ लें और खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लें। जितना बढ़िया फेंटते हैं उतना बढ़िया ही भुर्जी में स्वाद आता है और फटाफट बनती है। और ठंड के मौसम में तो एग भुर्जी सबको बहुत ही पसंद आती है। कई बार सब्जियां नहीं होती हैं तो फटाफट आप इस अंडे की भुर्जी को बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तीन अंडे लिए हैं, जिसे मैं फोर्क की मदद से फेंट रही हूँ। यदि आपके पास एग बीटर है तब तो बहुत अच्छा, उसे हम बहुत अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। परंतु मान लीजिए आपके पास एग बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से फोर्क की मदद से एग को खूब अच्छी तरह से फेंट सकते हैं। तो इसे फेंटना बिल्कुल ना भूलें। तो बस इसे मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट करीब करीब फेंट दिया है। अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से वाइट पोर्शन और येलो पोर्शन आपस में मिक्स हो गया है। और बस अब हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। तो बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ठंड के मौसम में तो एग भुर्जी ज़्यादातर घर में सभी को पसंद आती है। तो अब ये जो एग थे, तीन अंडे मैंने जो लिए थे, खूब अच्छी तरह से फिट गए हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है और 1 चम्मच तेल डाला है। और इस 1 चम्मच तेल में अब हम डालेंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज और प्याज को अच्छा हम लाल करेंगे। बीच बीच में प्याज को ज़रूर चला लें। साथ ही मैं यहाँ पर हरे प्याज की कुछ पत्तियाँ हैं उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्ची डाल दी है और हरे प्याज की कुछ पत्तियों को डाला है। साथ ही जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। कुछ हरे प्याज की पत्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, इसे मैं थोड़ी सी और इसमें डाल रही हूँ तो और भी बढ़िया इसका स्वाद आता है। तो अब प्याज भी पक गए हैं और टमाटर भी हल्के से पकने लगे हैं। तो इसमें मैंने चुटकी भर हल्दी डाल दी है, 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला है और साथ ही 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, परंतु मैंने हरी मिर्च बड़े साइज़ की डाली थी इसलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और इसमें अब हम डालेंगे फिटे हुए अंडे। और बस अब अंडा डालने के बाद आपको इसे खूब अच्छी तरह से चलाना है, मिक्स करना है। जितना बढ़िया हम इसे धीमी आंच पर सेकेंगे उतनी ही स्वादिष्ट भुर्जी बनती है। यदि आप सॉफ्ट वाली भुर्जी खाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस समय 2 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु कई लोगों को बहुत ही ड्राई भुर्जी पसंद आती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भुनी हुई पसंद आती है। तो बस आपको बस इसी तरह से उसे सेकते जाना है। गैस की फ्लेम स्लो कर दें, धीमी आंच पर इसे बढ़िया सेक लें। तो देखा ना दोस्तों, कितनी जल्दी बनकर तैयार हुई अंडे की भुर्जी। इसे बनाने में मुझे मुश्किल से कुछ मिनट का ही टाइम लगा है। और गर्मा गर्म अंडे की भुर्जी तो बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और खूब अच्छी तरह से मैं इसे सेक रही हूँ। बढ़िया इसे भून लें और गर्मा गर्म अब हम इस एग भुर्जी को सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितनी अच्छी एग भुर्जी दिखने में लग रही है उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है और उतनी ही हेल्दी है। और वैसे भी ठंड के मौसम में एग ज़रूर खाना चाहिए। यदि आप अंडा खाते हैं तो ये फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आप इसे बड़ा ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो दोस्तों, ये अंडे भुर्जी तैयार है और इसे गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।